जहां जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। आत्मा जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पयंबर नहीं आने वाला। तो प्रधानमंत्री जी, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच क्या है? झूठा है आपका नारा, खोखला है आपका नारा। अगर आपका नारा सच्चा होता, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की सरजमीन है ये, वो यही आराम कर रहे हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इस दयार में हाजिर होकर के आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। और आज दूसरी बार हाजिर हुआ हूं तो पूरे 5 साल बाद। इसी थके हुए रस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए रस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। गुजरात की सरजमीन पे खड़ा हूं और गुजरात इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले 1 हफ्ते बाद आपको ईवीएम की कतार में लगना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहने बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी इस तरफ खड़े हैं। जिधर नजर जा रही है आवाम ही आवाम है। तो मैं भी चाहता हूं कि जो थोड़ा सा वक्त आपके साथ बात करने का है उसमें मैं भी अपना दिल निकाल के आपके सामने रखूं। मेरे भाई, मैं पिछले 2 हफ्ते से गुजरात के इलेक्शन में मुसलसल पूरा गुजरात घूम रहा हूं। गुजरात की आवाम में गुस्सा है, झील में पानी बरसता है यहां गुजरात में, झील में पानी बरसता है यहां गुजरात में, खेत पानी को तरसता है यहां गुजरात में, जिंदगी का हाल सस्ता है यहां गुजरात में, दूध महंगा खून सस्ता है यहां गुजरात में। मैं एक दिन पहले मोरबी में था, मैं उस शहर की खामोशी को महसूस करके आया हूं। उस शहर में कैसी खामोशी है कि 135 लाशें बिछी थी उस शहर में, वो तमाम आंसुओं से भीगा है वो शहर। मैं उस शहर से होके आया हूं तब मैं ये बात कह रहा हूं कि दूध महंगा खून सस्ता है यहां गुजरात में। अहमदाबाद वालों को दिन याद करो, जब पुल टूटा और 135 से ज्यादा लाशें बिछ गई, पूरा मुल्क मोरबी के हादसे का मातम कर रहा था,
लेकिन देश का हाकिम इसी गुजरात में होते हुए अगले दिन 3 बार कपड़े बदल रहा था और हरी झंडी दिखा रहा था। जब उसे जा करके उन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था तो वो कपड़े बदल रहे थे। मैं तो मोरबी में खड़ा होकर के कह के आया हूं कि गुजरात की सरकार, आपने मोरबी के अस्पताल के रंग रोगन में टाइल्स लगाने में जो वक्त खर्च किया, अगर यही वक्त पुल के रख रखाव में खर्च किया होता तो मोरबी का पुल टूटता नहीं और 135 से ज्यादा लाशें नहीं बिछती। ये है गुजरात, ये है गुजरात के विकास का सच। 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को भ्रष्टाचार और कुशासन के अलावा, खुदा ने मेरे कलम को जो ताकत बख्शी है, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर लिखने के लिए ना करूं, बल्कि मैं अपने कलम का इस्तेमाल कभी पहलू खान की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में पिरोने के लिए करूं, तो कभी नजीब की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में जगह दूं। मैंने मुसलसल ये किया। मेरा खुदा जानता है कि मेरी जो जिंदगी है उसमें एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरा हो। लेकिन 3 साल पहले 4 साल पहले जब मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक बात यह कही कि इमरान, तुम जिन मुद्दों पर नज़में कहते हो, अगर उन मुद्दों का हल चाहते हो तो सियासत में आओ। मुझे राहुल गांधी की सच्चाई पे एतबार आया और मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बना। एक बात को नौजवान साथियों आज आपको माननी पड़ेगी कि मुल्क में जो नफरत का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नफरत का माहौल पूरे मुल्क में खड़ा किया है, उसके खिलाफ अगर इस देश में सीना ठोक के कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जो अलग ऐलान ये कहता है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं, और वो सिर्फ कहता नहीं है, सिर्फ नारे नहीं लगाता, सिर्फ जुमले नहीं बोलता, वो शख्स पिछले 82 दिन से कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल चल रहा है मुल्क को जोड़ने के लिए, नारा लगाते हुए कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। 25 किलोमीटर रोज पैदल पिछले 82 दिन से, तसव्वुर करिए शाह आलम के लोगों, इस विधानसभा के नौजवान साथियों, आप तसव्वुर करिए 25 किलोमीटर रोज भारत को जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ वो आदमी लाखों का हुजूम लेके चल रहा है। मैं कन्याकुमारी से उनके साथ था, बीच में यात्रा छोड़ करके गुजरात चुनाव में आया क्योंकि आपसे मुलाकात करनी थी। एक एक लम्हे में ऐसा ऐसा मंजर आता है, केरल में, बेल्लारी में, रायचूर में, हैदराबाद में, एक एक लाख की आवाम एक वक्त में राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के चलती है। मुझसे मीडिया के साथी पूछते हैं कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? तो मैं एक बात कहता हूं कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूँ, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूँ, तो मैं राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके चल रहा हूँ। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम उसके साथ चल रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए। मेरे भाई, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सबके एहसान को कबूल करती है। शहजाद अभी आपको गिना रहे थे और वो ये भी बता रहे थे कि कोई दिल्ली से आया है, कोई हैदराबाद से आया है। जानते हैं ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि पिछली बार भाजपा हारते हारते रह गई थी, हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी। शैलेश भाई आपको याद होगा कि भाजपा की सांस इतनी अटक गई थी कि प्रधानमंत्री जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, कर्तव्य दिखाने पड़े थे, तब भाजपा की सरकार बन पाई थी। भाजपा जानती है कि उसके 27 साल को लेकर के आवाम में गुस्सा है, वो अकेले कांग्रेस को नहीं हरा सकती। तो मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को भी बुलाया है,
एक दिल्ली से, एक हैदराबाद से। दिल्ली वाले आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कि झाड़ू नीचे सफाई करना है, लेकिन आप जब पलट के उनके दामन में देखेंगे तो असल कचरा वहीं पर भरा हुआ है। दरअसल 2013 में जो अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था केजरीवाल के जरिए, वो आंदोलन करप्शन के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन अन्ना आंदोलन दरअसल नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की शुरुआत करने के लिए किया गया था, और वो काम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने किया था। मैं कल ऐलान यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं, और उस आंदोलन के गुजर जाने के बाद मुझे बताओ शाहआलम के लोगों, मुझे बताओ अहमदाबाद के लोगों के मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अन्ना हजारे कहीं दिखते हैं, कहीं दिखते हैं? मैं तो आजकल उनसे पूछता रहता हूं कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, नजर नहीं आते हैं? क्योंकि वो प्रीप्लान एक आंदोलन था। मेरे भाई, इस बार गुजरात बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी चैनलों पर जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस जीत रही है। मैं पूरे गुजरात का दौरा करके आया हूं। मैं कल रात अमरेली में था, उससे पहले मैं मांगरौल में था, जूनागढ़ में था, उससे पहले गिर सोमनाथ में था, सूरत में था, वडगाम में था, सिद्धपुर में था। मैं पूरा गुजरात घूम के आया हूं। जमीन पर जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। यह लड़ाई बहुत अहम है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दो ताकतें हैं, एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो कहती है कि मुल्क तानाशाही से चलेगा, उसकी मर्जी से चलेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाबों से चलेगा, ये मुल्क महात्मा गांधी से चलेगा, उनकी सोच से चलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और इस लड़ाई में आपको भी चुनना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे भाई, पिछली बार शैलेश जी को आपने 32,000 के आसपास वोट से जिताया था, ये 4 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक तो कब का मार चुके हैं, लेकिन इस बार तो अगर ये आंकड़ा बढ़ करके 50,000 नहीं हुआ तो फिर लगेगा कि अर्धशतक नहीं लग पाया है। तो आंकड़ा बढ़ाना है, और आंकड़ा बढ़ाना है तो थोड़ी मेहनत भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी शायरी सुनाऊंगा, थोड़ी बीच में बातचीत करूंगा। वक्त है हमारे पास 45 मिनट का। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दे, और बीच में जो बच्चे बैठे हैं वैसे चुप हो जाए जैसे आजकल अडवाणी भी चुप रहते हैं। थोड़ा सा बेहतर कर दे। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पयंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पयंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। एक मुश्किल वक्त है, एक बड़ी लड़ाई है, सामने जो दुश्मन है बहुत, मंत्री जी चुप है। आने वाली 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। मुझे दुआ दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि मैं वहां प्रधानमंत्री जी की आंख के सामने खड़ा होकर के उनकी नजर से नजर मिला के उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच क्या है? झूठा है आपका नारा, खोखला है आपका नारा। अगर आपका नारा सच्चा होता
आप भारत की बेटी बिल्किस के लिए कुछ लफ्ज जरूर बोलते, यह है इनके विकास का सच। इनका विकास ऐसा है कि गुजरात में शराबबंदी है लेकिन 70 से ज्यादा मौतें एक दिन जहरीली शराब पीने से होती है, यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का सच यह है कि 5,235 विद्यालय बंद होने के कगार पर आ गए हैं स्कूल। ये कैबिनेट के सवाल पर, कांग्रेस विधायकों के सवाल पर असेंबली में सरकार ने बताया है कि 5,235 स्कूल बंद होने जा रहे हैं गुजरात में। यह है गुजरात के विकास का सच। तो मेरे भाई, ये जो झूठ झूठ चारों तरफ झूठ फैला है, इसके खिलाफ आपको लोकतंत्र एक ताकत देता है और वो ताकत है वोट की ताकत, और उस ताकत का इस्तेमाल करना है आपको, और आप अपने यहां उसका इस्तेमाल करके शैलेश परमार को जिताएंगे। महंगाई का आलम यह है कि आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी सब कुछ महंगा कर दिया, बच्चों की पेंसिल तक महंगी कर दी, और पिछले सेशन में जब हम लोग खड़े होकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई से पूछ रहे थे कि महंगाई क्यों बढ़ाई, तो वह खड़ी होकर के हैरत से कह रही कि देश में महंगाई कहां है। मैं चश्मदीद हूं, मैं खड़े होकर के नारे लगा रहा था सदन में और निर्मला जी कह रही थी कि महंगाई कहां है। हम तो उनसे उसी दिन से पूछ रहे हैं और वो कह रही है कि महंगाई कहां है, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कहां सोया है चौकीदार। मैं किस वाले चौकीदार की बात कर रहा हूं, आप समझदार लोग हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे मुझे पता है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो इधर बैठे हैं उन्हें सीधे सीधे नजर आ रहा है तो वो इस पूरी सभा में शामिल है। जो इधर बैठे हैं पास का जो जज्बा है, मैं जज्बे को सलाम करता हूं। यहाँ स्टेज पर इतनी भीड़ है आजकल भाजपा के नेताओं में, उतनी सामने भीड़ हो रही है, ये हालत हो गई है। ये है अहमदाबाद और इस विधानसभा का जलवा। मैं पढ़ता हूँ, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत देख रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सच की तारीफ कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मुहर लगाना पड़ेगा मेरी बात पर। पीछे तक जो लोग हैं, मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप फिर से इसमें शामिल हो, तारीफ करें मेरे इस हिम्मत के लिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अभी भी फॉर्म में नहीं आया, मुझे लगना चाहिए कि आप आ गए। जब तक ये आदमी शामिल नहीं होगा तब तक मुझे लगेगा कि मैं अहमदाबाद के जिंदा दिल लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं, जिसके लिए अहमदाबाद जाना जाता है, जिस हौसले के लिए, जिस जुनून के लिए। मैं फिर से बोलता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, अब तैयार है ना पहुंचाना दिल्ली तक। कि रेल
बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार।